हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में आज हम देखेंगे सेट नंबर 52। इस सेट में आपको केवल प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आपको इंडियन पॉलिटी से एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। इस सेट में कुल 15 एमसीक्यू हैं। इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर कोर्सेरा यूपीएससी और ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेट में आप प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो। आज के सेट में आप जितना भी सही कर पाते हैं नीचे जरूर बताइएगा। पिछले सेट में कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, आप भी प्रयास कीजिए बेहतर करने का। जो भी क्वेश्चन आपका सही हो नीचे जरूर बताएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की शक्ति के संबंध में संबंधित ब्यौरा दिए गए हैं। किसमें दिए हुए हैं अवमानना से संबंधित ब्यौरा, आपको ये बताना है। कथन एक दिया हुआ है अनुच्छेद 129, बी दिया हुआ है अनुच्छेद 32, सी दिया हुआ है अनुच्छेद 124, डी दिया हुआ है अनुच्छेद 14। तो बताइए इनमें से सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की शक्ति से संबंधित ब्यौरा किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अनुच्छेद 129 लगाया है तो बिल्कुल सही काम किया है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना से संबंधित ब्यौरा दिए गए हैं, जिसमें ये माना गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में ये माना गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के जो भी होंगे उनके निर्णय उनको उसके निचले न्यायालय मतलब हाई कोर्ट उनको मानेगा, और इसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त करता है और इसी के आधार पर दंड देता है। तो ये चीज़ें आपको पता होगा। प्रशांत भूषण मामले में तो आपने देखा ही होगा, न्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा। और दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे अनुच्छेद 129 तथा 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्दी 13 फरवरी 2020 मतलब साल भर लगभग पहले सभी राजनीतिक दलों को अपने विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया था। आपको पता होगा कि वर्तमान लोकसभा में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आ गए हैं, तो उसको प्रकाशित करने के लिए ताकि लोग अवेयर हों अपने अपराधियों को, मतलब अपने अपराधी तो नहीं कहेंगे, अपराधी प्रतिनिधियों को चयन न करें, इसलिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है ताकि अब लोकसभा में या विधानसभाओं में अपराधी ना जा पाएं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 129 और 142 का उपयोग करते हुए ये निर्णय दिया था। दूसरा चीज़ देखें तो 142 क्या है। 142 में प्रोविजन है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का तथा अन्वेषक जो भी नवाचार कर रहा है उसके आदेशों को इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए, मतलब 129 और 142 दोनों एक साथ उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। तो ये दोनों का निर्णय मतलब आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, भारत में संसद सत्रों के एक निश्चित तिथि का निर्धारण है और एक वर्ष में तीनों सत्रों का आयोजन होता है, मतलब तीन सत्रों का आयोजन एक वर्ष में होता है, ये पहला कथन कह रहा है और सबका डेट निश्चित है। दूसरा कथन कह रहा है कि आमतौर पर बजट सत्र सबसे लंबा होता है। कथन तीन कह रहा है, संसद सत्र का भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों पर आधारित है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पहला कथन देखें तो भारत में जो संसद सत्र के एक निश्चित तिथि की निर्धारण की बात कह रहा है ये गलत है, यहाँ पे निश्चित तिथि के निर्धारण का कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा चीज़ देखें, एक वर्ष में तीन सत्रों का आयोजन होता है। तो देखिए तीन सत्रों का आयोजन होता है ये तो ठीक है, लेकिन दो सत्रों के बीच का गैप 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दो सत्र तो कंपल्सरी होंगे ही होंगे, लेकिन तीसरा सत्र अगले ईयर में जा सकता है। तो ऐसे में देखें तो तीन सत्र होता है तो ये तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन इसका पहला जो भाग था, पहले कथन का पहला भाग था जो निश्चित तिथि निर्धारित है, ये गलत है। तो ऐसे में देखें हमारा तो सबसे बढ़िया आंसर हो जाता दो और तीन सी में दिया होता, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे लंबी अवधि बजट सत्र की होती है, जो कब शुरू होती है, आमतौर पर जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है और लगभग मई अप्रैल के अंत में या मई के पहले सप्ताह तक चलती है। तो इसलिए बजट सत्र सबसे लंबा हो जाता है और इसकी तिथि जो होती है संसद सत्रों की ये अस्पष्ट नहीं है। ये समानता अगर देखें तो ये कोई भी निश्चित नहीं है, एक वर्ष में तीन सत्रों का आयोजन तो होता है लेकिन तिथि निर्धारित नहीं है। अब दूसरा चीज़ देखें, इसमें संसद सत्रों का संविधान का अनुच्छेद 85 में इसके ब्यौरा दिए हुए हैं। कई अन्य अनुच्छेद भी हैं इससे संबंधित, जैसे कि भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित हैं। ये कुछ चीज़ें थी, आप याद रखें 85 और इसके तिथि निर्धारित नहीं है और दो सत्रों के बीच का गैप कितना होता है तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए दो सत्रों के बीच का गैप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय या स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। कथन दो दिया हुआ है, राज्यपाल को स्वतः मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, वह सदन की बैठक के बारे में निर्णय नहीं ले सकता। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरा जो इसका विकल्प है, पहले विकल्प के अकॉर्डिंग देखिए दूसरा विकल्प, तो कहीं कहीं कंट्रोवर्सी हो जाता है दोनों में, तो हमारा दूसरा विकल्प गलत है, वो स्वतः निर्णय ले सकता है स्वतंत्र रूप से। जो पहला कथन दिया हुआ है वो जहाँ ठीक समझे आहूत कर सकता, तो बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने इसमें ए लगाया था उनका करेक्ट आंसर है। देखिए होता क्या है कि सामान्यतः राज्यपाल जो होता है वो किसके आधार पर काम करता है, राज्यपाल होता है आर्टिकल 174 के तहत क्या होता है सत्रों का आहूत करता है, वो किसकी इच्छा पे, मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता पे कार्य करता है अनुच्छेद 174 के अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि राज्यपाल वो अपने अच्छा से अपनी इच्छा से अपने मतलब पसंद से जब चाहे तब कर सकता है, वो कब होता है जब मंत्रिपरिषद जो होता है मुख्यमंत्री बहुमत खो दे या फिर उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाए, तो राष्ट्र मतलब राज्यपाल बार बार राष्ट्रपति आ रहा है, राज्यपाल जब चाहे सदन को आहूत कर सकता है। दूसरा चीज देखें तो एक आर्टिकल 174 में कहा गया कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के मंत्रिमंडल सदन के प्रत्येक सदन को एक समय या स्थान पर जो वो ठीक समझे उसके आहूत कर लेगा, और 63 में ये प्रोविजन किया गया कि वो राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता पर काम करेगा। तो 74 जो है ये 63 के अधीन तो है, लेकिन कई ऐसे प्रोविजन है मतलब दूसरे तरीके से समझें तो जो 74 में दिया गया है कि जब वो चाहे सदन को आहूत कर सकता है, और 63 में ये प्रोविजन किया सलाह और सहायता का प्रोविजन है, जो 174 के अधीन है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जैसे कि बहुमत खो देने के कंडीशन या अविश्वास प्रस्ताव, ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पसंद से आहूत कर सकता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में शामिल है। कथन एक दिया हुआ है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल लोकसभा में ही शुरू की जा सकती है। कथन दो दिया हुआ है, संविधान संबंधित बिल को एक मंत्री द्वारा पेश किया जाए, जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उसको केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, कथन दो कह रहा है। कथन तीन दिया हुआ है, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं हुई। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है केवल तीन तो बिल्कुल सही है। देखिए अगर पहला कथन जहाँ कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया केवल लोकसभा में शुरू की जा सकती है, तो बिल्कुल गलत है, ये राज्यसभा में की जा सकती है। दूसरा जो दिया हुआ है, संविधान संबंधित बिल जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उसमें उसको एक मंत्री द्वारा पेश किया जाए, तो ये भी गलत है, मंत्री और गैर मंत्री दोनों पेश कर सकते हैं। मंत्री और गैर मंत्री मतलब एक होता है जो मंत्री है और एक केवल लोकसभा के सदस्य है, दोनों पेश कर सकते हैं। तो पहला दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है, अगर सदन में जो भी पूर्व सदस्य हैं कुल सदस्यों की बहुमत से पारित हो जाता है बिल, या फिर उपस्थित मत देने वाले के 2/3 से बहुमत से पास हो जाता है, तो इस विधेयक को राष्ट्रपति के एक समझ प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति दे देगा तो इसको लागू कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा उस संविधान संशोधन को। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। आपको बताना है संसदीय स्वरूप की विशेषताएं क्या क्या हैं, आपको ये बताना है। कथन एक दिया हुआ है, राष्ट्रपति के प्रति कार्यकारी की सामूहिक जिम्मेदारी। कथन दो दिया हुआ है, निम्न सदन का विघटन। कथन तीन दिया हुआ है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। कथन चार दिया है, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहला कथन देखें, राष्ट्रपति के प्रति कार्यकारी की सामूहिक जिम्मेदारी, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सदन के प्रति होता है, मतलब लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होता है, साथ साथ तैरेंगे साथ साथ डूबेंगे, वो वाला प्रोविजन काम करता है यहाँ पे। किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आगे तो मतलब किसी एक मंत्री के कोई भी प्रस्ताव है वो पास नहीं हो पाए तो सारी मंत्रिपरिषद मतलब भंग हो जाएगी। तो पहला कथन तो गलत हो जाता, निम्न सदन का विघटन तो ये बिल्कुल सही है, ये संसदीय प्रोविजन है। दूसरा कथन देखें तो विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ये भी सही है, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारी की उपस्थिति, ये भी सही है। नाम मात्र का कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कौन सा होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री। तो ऐसे में हमारा आंसर हो जाता है 2, 3, 4, जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ब्यूरो दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए संसदीय जो भी व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग उसकी विशेषताएं हैं कि नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति और बहुमत प्राप्त दल का शासन, जैसे कि मोदी जी हैं, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो आप समझते ही हैं, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, मतलब मुख्यमंत्री राज्यों में और केंद्र में प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निम्न सदन लोकसभा या विधानसभा का विघटन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, लोकसभा आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा कभी विघटित नहीं होता है, 2/3 जो उसके सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं हर दूसरे साल खत्म होते रहते, मतलब नई नई सदस्यों की आती रहती है, 6 साल पर चेंज होते रहते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनकी सदस्य हमेशा रिन्यू होती रहती है, किसकी, राज्यसभा की या फिर विधान परिषद की, लेकिन लोकसभा 5 साल के बाद विघटित हो जाता है या फिर पहले भी विघटित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक आपात
कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कब घोषित किया जाता है आपको ये बताना है। कथन एक दिया हुआ है किसी राज्य में संवैधानिक विफलता, बी दिया हुआ है भारतीय राज्य के विरुद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की घोषणा, सी दिया हुआ है केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन की संभावना के बिना मंत्रिपरिषद को भंग करना, डी दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी होता है उपरोक्त में से कोई भी होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा संवैधानिक आपातकाल से संबंधित सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया किसी भी राज्य में संवैधानिक विफलता, तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 356 के तहत जब संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। लेकिन अगर 352 के तहत देखें तो जब गंभीर आपात स्थिति विद्यमान हो, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है जैसे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तो राष्ट्रीय इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। लेकिन 356 के तहत लगता है तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पे तो ये राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्य आपातकाल कहते हैं या फिर संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, तो 356 के माध्यम से लगता है। अगर दूसरा चीज़ देखें तो आर्टिकल 360 के तहत लगता है तो इसको कहते हैं वित्तीय खतरे को देखते हुए वित्तीय आपातकाल लगता है। तो तीन तरह के आपातकाल के भारतीय संविधान में प्रोविजन है, पहला 352 के तहत, 356 और 360। तो जो 352 के अंतर्गत होता है वो नेशनल इमरजेंसी होता है, इसकी उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति, और 356 ये भी राष्ट्रपति करते हैं, और वित्तीय आपातकाल ये 360 में प्रोविजन दिए हुए हैं। तो आपको संविधान पता होगा इसके बारे में और आपने सही किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के समावेशन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। कथन दो दिया हुआ है, पहला आपको समझ में ना आया हो तो मैं ये बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 32 कह रहा है, आर्टिकल 32 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 मतलब मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के जो अधिकार है वो कार्यवाहियों से संबंधित, मतलब जैसे कि रिट जारी करने का अधिकार किसको है, उच्चतम न्यायालय को। पहला कथन ये कह रहा है। कथन दो कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्याभूत अधिकार पूर्ण हैं और उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। कथन दो कह रहा है कि जो भी 32 के अंतर्गत प्रोविजन मूल अधिकार दिए हुए हैं वो पूर्ण है, उनको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। कथन तीन कह रहा है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पहला जो दिया हुआ यहाँ कह रहा है कि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी को निलंबित किया जा सकता है। दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे जो कथन तीन दिया हुआ है कह रहा है कि 226 अनुच्छेद मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है, तो बिल्कुल गलत है, ये मूल अधिकार नहीं है। केवल आर्टिकल 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो मूल अधिकार है, आर्टिकल 32 मूल अधिकार है, इसलिए 226 नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 44वें संविधान संशोधन ने यह भी कहा था कि 69वें मतलब छोड़िए ये चीज़ देखते हैं, इसी में 44वें संविधान संशोधन में प्रोविजन किया गया था अनुच्छेद 169 के अनुसार, 159 के अनुसार अगर आपातकाल घोषित होता है, मतलब अगर देखिए 352 के अंतर्गत कोई इमरजेंसी घोषित होता है या फिर 352 या फिर इसके अंतर्गत मतलब 360 वित्तीय आपातकाल, तो दोनों कंडीशन में क्या किया जाए वित्तीय आपातकाल। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, अगर इमरजेंसी घोषित होता है 359 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू हो या फिर राष्ट्रपति शासन, मतलब 352 या 356 तो लागू होता है, तो 359 अगर वहाँ पे यूज होता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी को परिवर्तनीय नहीं माना जाएगा, मतलब उसको निरस्त किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21 परिवर्तनीय रहेगा, इसको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं जा सकते। 19 के लिए हो गया, 14 17 18 के लिए भी नहीं जा सकते आप। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं आपको ये बताना है। कथन एक दिया हुआ है उद्देश्य क्या, भारत के सभी नागरिकों को विश्वास उपासना और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कथन दो दिया हुआ है किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कथन तीन दिया हुआ है राज्य सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो बताइए राज्य भारतीय जो भारतीय राज्य है उसके पंथ निरपेक्ष चरित्र को सही से रिप्रेजेंट कौन कौन से इसमें करते हैं आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है तो बिल्कुल सही है। देखें अगर पहला तो हमारे उद्देशिका में भी ये प्रोविजन किए हुए विश्वास उपासना और पूजा की स्वतंत्रता है, और दूसरा कथन देखें तो किसी व्यक्ति को धर्म विशेष के प्रचार प्रसार करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता जो प्रयास करेगा राज्य, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 को लागू करने का प्रयास करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्षता को रिप्रेजेंट करता है। इसका डी आंसर करेक्ट है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में उद्देशिका में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। विश्वास उपासना पूजा की स्वतंत्रता दी गई है, ये सभी नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा चीज़ देखें तो आर्टिकल 14 में जो प्रोविजन दिए होंगे विधि की समानता का अधिकार, तो ये भी किसी धर्म विशेष के आधार पर तो भेदभाव तो नहीं करता है। आर्टिकल 15 में जन्म मतलब जो दिया समानता, ये भी कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्षता को रिप्रेजेंट करता है। 16 फिर आप देखेंगे 25 आर्टिकल जो अंतःकरण धर्म अवैध रूप से मानने के लिए आचरण करने के लिए प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता दिया हुआ, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म निरपेक्षता को रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप यहाँ पर रोक के आराम से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी हिस्सा है, किसका हिस्सा है आपको ये बताना है। ये दिया हुआ अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, बी दिया हुआ अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी दिया हुआ है अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, और डी दिया हुआ अनुच्छेद 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताइए इनमें से प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का हिस्सा कौन सा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें माना है जीवन का अधिकार अर्थात सी अनुच्छेद 21, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का हिस्सा माना था। किस मामले में माना था? दिल्ली के ओलियम गैस रिसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उत्तरदायित्व को पर्याप्त नहीं माना था, क्योंकि अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारा उत्तरदायित्व है लेकिन हम पूर्णतः अगर किसी कोई घटना हो जाती, मान लीजिए गैस कंपनी है वहाँ पे कोई घटना हो गई, तो कंपनी ये कहती है कि हमें कुछ छूट मिलना चाहिए, हम पूरा उत्तरदायित्व नहीं लेंगे लेकिन उत्तरदायित्व है मेरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्णतः नहीं है, आपको पूरा उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, आप किसी तरह का छूट का दावा नहीं कर सकते, जो भी मुआवजे होंगे उनको पूरा भुगतान करना आपकी ज़रूरत है, चाहे आपने लापरवाही से हुई हो या गैर लापरवाही से, मतलब आपकी लापरवाही से ना हुई हो, दोनों कंडीशन में आपको पूरा भुगतान मुआवजा देना ही पड़ेगा। तो ये किसके अंतर्गत था? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। कभी भी पूछे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत किसके अंतर्गत काम करता है, तो आर्टिकल 21 का नाम आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किसके तहत वर्डित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस समरूप है? कथन एक दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी दिया हुआ मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म मतलब मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी दिया हुआ उद्देश्य प्रस्ताव 1946, और डी दिया हुआ नेहरू रिपोर्ट 1928। तो बताइए आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समरूप कौन सा है इनमें से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें तो डीपीएसपी के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समरूप कौन सा है डीपीएसपी, तो हमारे वहाँ जो भारतीय शासन अधिनियम था वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डीपीएसपी है वो ऐसे ही काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अम्बेडकर जी थे तो इन्होंने क्या कहा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में माना था किसको, हमारे वहाँ जो डीपीएसपी है उसको उसके अकॉर्डिंग माना था, क्योंकि जो 1935 का था भारत शासन अधिनियम, ये जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल को और उसके अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए, उसके कार्यों को निर्धारित करने के लिए लाया गया था 1935। उसी तरीके से हमारे वहाँ जो डीपीएसपी है इस राज्य को परिभाषित करता है और राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राज्य में कौन कौन से आ जाते हैं, सरकार के सभी संस्थान आ जाते हैं, राज्य भी सरकारें आ जाती हैं, जो भी राज्य के पीएसयूज हैं एलआईसीज हैं वो सभी आ जाते हैं राज्य की परिभाषा में। तो राज्य का परिभाषा बहुत बड़ा है, उनको डायरेक्शन प्रदान करता है डीपीएसपी। तो ऐसे में देखें तो 1935 के अकॉर्डिंग डीपीएसपी भी है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान नहीं किया गया था, मूल संविधान जो था उसमें मौलिक कर्तव्यों से इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कथन दो दिया हुआ है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य अंतर संबंधित और अविभाजित हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मूल कर्तव्यों का से संबंधित जो प्रोविजन थे ये मूल संविधान में नहीं लाए थे, इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और दूसरा चीज़ देखें तो ये जो हमारे मूल अधिकार हैं और मूल कर्तव्य ये दोनों अंतर संबंधित हैं और ये अविभाजित हैं, इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जनहित याचिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है जनहित याचिका में व्यक्तिगत अधिकार के हनन के संबंध में अधिनिर्णय के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है। कथन दो दिया हुआ है यह समानता जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों के विस्तार में मदद करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, किससे संबंधित, पीआईएल के संबंध में।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगर पहला क्यों गलत है आप सोचते होंगे, तो इसमें दिया हुआ व्यक्तिगत अधिकारों, अगर किसी व्यक्तिगत का अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, न कि PIL के माध्यम से। वैसे अन्य तरह का किसी के किसी व्यक्ति का या फिर कुछ सोसाइटी का अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे कि उनके पास कोई ऐसी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं राज्य द्वारा जो उनके अधिकारों का हनन कर रही हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति उनके अधिकारों के लिए कर सकता है, PIL दाखिल कर सकता है, तो इस तरीके से होता तो सही होता। लेकिन यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत अधिकारों के हनन के मामले में तो ये बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाना है, ना कि PIL के माध्यम से। अगर सार्वजनिक किसी तरह के अधिकारों का हनन होता है तो आप जा सकते सीधे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें अगर, तो ये क्या करता है, समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों का विस्तार करने में मदद करता है PIL। पहले क्या होता था, पारंपरिक रूप से पहले होता था क्या, केस लड़ो, फिर से मतलब गरीब लोग तो नहीं जा पाते थे ना, जो कमज़ोर है, गरीब है, वो लोग तो नहीं केस लड़ पाते। लेकिन PIL आने की वजह से होता था, ये कोई भी व्यक्ति, उनको अगर गरीब है और वो अपने केस नहीं लड़ पा रहा तो कोई अमीर व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग PIL दाखिल करके ऐसे मामले में उनको न्याय दिलवा सकता है। तो PN भगवती के द्वारा ये एक अच्छा इनोवेशन था। चलिए जस्टिस PN भगवती, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दबाव समूह किस प्रकार शासन को प्रभावित करते हैं, आपको ये बताना है। कथन एक दिया है, अपने प्रत्याशियों को राजनीतिक चुनाव में भागीदारी प्रदान करके। दो दिया हुआ है, लोबिंग जो होता है, लोबिंग द्वारा नीतियों को प्रभावित करके। तो इनमें से कौन सा कथन सही है भारत में दबाव समूह के संदर्भ में, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें दो लगाया अर्थात बी, केवल दो को सही माना, तो बिल्कुल सही है। देखिए जो दबाव समूह होता है वो राजनीति में किसी तरह का प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं लेता है, ना ही अपने प्रतिनिधि को ये चुनाव में लड़ाते हैं और ना ही इसमें खुद भाग लेते हैं। ये केवल एक तरह से दबाव डालते हैं, किसमें, नीति निर्माण में, नीति निर्माण सरकार के जो भी कानून हैं उनमें दबाव डालते हैं ताकि इनके बेनिफिट हो, इनको लाभ मिले, इस तरीके से काम करते हैं, ना कि खुद भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं फिक्की और दूसरा एसोचैम, चेम जो है एसोचैम और फिक्की, ये दोनों एक तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दोनों भाग नहीं लेते सरकार में, लेकिन ये एक तरह से देखें तो सांसदों, विधायकों से संपर्क स्थापित करके या फिर कुछ अन्य माध्यमों से, पत्राचार या फिर प्रचार के माध्यम से या फिर डिबेट के माध्यम से ये सरकारों के नीति निर्माण में कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं, इनके अकॉर्डिंग नीतियों का निर्माण, जिससे अपने व्यवसाय को आसानी से संचालित करते हैं। एक तरह से देखें तो अपने केवल लाभ के लिए ही काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं तक ही सीमित है। कथन दो दिया हुआ है, संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा को निर्दिष्ट करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहला कथन देखें तो भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं तक ही सीमित है, तो ये बिल्कुल सही गलत है। अगर ऐसे में देखें तो ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इंग्लिश को भी अपनाए हुए हैं अपने आधिकारिक भाषा के रूप में, तो इंग्लिश तो 8वीं अनुसूची का भाषा तो नहीं है, तो ऐसे तो पहला गलत हो जाता। दूसरा चीज़ देखें, संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा को निर्दिष्ट करता है, तो ये भी गलत है। संविधान निर्दिष्ट नहीं करता है, राज्य अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा का चयन कर सकता है। तो इस तरीके से जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे विवरण देख सकते हैं कि राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में, मतलब यहाँ हिंदी को आधार मान करके सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, हिंदी का उपयोग होने, मतलब उपयोग कर सकते हैं या किसी अन्य भाषा का उपयोग कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि राज्य की हिंदी भी भाषा अपनाएं, किसी अन्य भाषा को भी वो अपना सकते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं गोवा जो है कोंकणी के अलावा भी मराठी को अपनाया हुआ है, या फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या उत्तरपुर के कुछ अन्य राज्य भी हैं जो अंग्रेजी को अपनाए हुए हैं, जो कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची का भाषा नहीं है। कुछ अन्य चीज़ें देखें तो राज्य अपनी पसंद के अनुसार, संविधान मतलब ये प्रोविजन करता है कि राज्य अपनी पसंद के अनुसार 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त भी भाषाओं को अपने राज्य में आधिकारिक भाषा के रूप में चयन कर सकते हैं। जैसे कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची का भाषा नहीं है, अगर बिहार चाहे तो 8वीं अनुसूची की भाषा को अपने मतलब आधिकारिक भाषा बना सकता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान द्वारा निर्मित सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, अखिल भारतीय सेवाओं के एक अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति के अलावा किसी भी प्राधिकरण या प्राधिकरण के द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता, मतलब उनको पद से उनके हटाया नहीं जा सकता राष्ट्रपति के अलावा, कथन एक कह रहा है। कथन दो कह रहा है, एक सिविल सेवक को उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जा सकता, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था उसी के द्वारा केवल हटाया जा सकता है, अगला कथन का उद्देश्य ये होना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जब आप IAS अधिकारी बनेंगे तो आपकी नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति एक क्या करेंगे, वारंट जारी करेंगे, उसके आधार पर केंद्र सरकार आपकी नियुक्ति करेगी। लेकिन अगर आपको हटाना हो पद से तो राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपको हटाया नहीं जा सकता।
अन्य दूसरी चीज देखें तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में भी आपको दंड देना है या हटाने या रैंक कम करने के मामले में केवल केंद्र सरकार कर सकती है। वैसे देखें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपके लिए काम करेंगे, मतलब दोनों संयुक्त रूप से नियंत्रण करेंगे आईएएस अधिकारी के ऊपर, लेकिन जो अंतिम नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन जो तत्कालिक नियंत्रण होता है वो राज्यों के पास होता है। आपको पता होगा कि सैलरी सारे राज्य देते हैं लेकिन काम करते हैं आप केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद आपको ऐसी समझ में आया होगा, और आपको हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा सकता। आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो भी क्वेश्चन सही हुआ हो, जितने भी सही हो, आप नीचे जरूर बताएं कि आपने कितना सही कर पाया। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।